बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस शॉर्ट वीडियो में चंद असामियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मेल और फीमेल के लिए हैं। असामियों के नाम जो है, देखें दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट की है, ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर है, जूनियर क्लर्क के लिए भी है, ये सर्वेयर है, डीआरडीए वाली वेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ड्रॉप्स मैन के हैं, स्टोर कीपर भी इसमें शामिल है और टेलीफोन ऑपरेटर की है। तो उसके लिए देखते हैं, एडवर्टाइज दिखाता हूं आपको दोस्तों। देखें, ये है हमारे पास एडवर्टाइज, ये पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ साइबर पुख्तनख्वा, नीडिफिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ साइबर पुख्तनख्वा फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। देखिए, इसमें पहला पोस्ट जो है वो ऑफिस असिस्टेंट का है, जिसमें देखिए ऑफिस असिस्टेंट का है और बीपीएस 16 का है। इसके लिए सेकंड क्लास बैचलर डिग्री की जरूरत है। टोटल 10 पोस्ट हैं ये दोस्तों, एक फीमेल के लिए है और बाकी तमाम जोन्स जितने भी जोन है केपीके में, और एज लिमिट इसमें 21 से 32 साल है। ठीक है दोस्तों, असामी नंबर 2 जो है ये कंप्यूटर ऑपरेटर की है, इसका भी बीपीएस 16 है। इसके लिए बीएससी और बीसीएस कंप्यूटर साइंस या सिंपल बीए विद बीआईटी है। ठीक है दोस्तों, और ये भी टोटल 10 असामियां हैं, ये हर जोन में 2-2 असामियां हैं, तमाम जोन में 2-2 असामियां हैं, 18 से 32 साल एज लिमिटेड। असामी नंबर 3 है जूनियर स्केल स्टीनोग्राफर की, जूनियर स्केल स्टीनोग्राफर के हैं, देखिए बीपीएस 14 की है, और इसके लिए इंटरमीडिएट भी देखें ये चीजें, तो एक कंप्यूटर का होना लाजिमी, कंप्यूटर नॉलेज लाजिमी है इस बारे में, और टोटल 9 असामियां हैं ये दोस्तों। और इसके लिए ये कि जोन तमाम जोन, एक जोन 1 के 2 है, जोन 2 के 1 है, जोन 3 2, बाकी जोन सिर्फ एक जोन 2 के 1 है, बाकी 2-2 असामियां हैं, और 18 से 32 साल एज है इसकी। इसी तरह जूनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क की जो है देखे दोस्तों, ये बीपीएस 11 के हैं, और ये मैटर की तालीम चाहिए लेकिन कंप्यूटर लागू होना चाहिए, 30 साल पास उसके पैकेज के भी होना चाहिए, और टोटल 20 असामी होगी, 4 फीमेल के लिए है, 1 डिसेबल के लिए है, और 1 मिनोरिटी के लिए है, बाकी 4-4 असामी हर जोन के हैं, सिर्फ जोन 5 जो है वो 2 है, और 18 से 32 साल इसकी एज नहीं है। असामी नंबर 5 सर्वेयर की है, सर्वेयर, और इसके भी मैट्रिक तालीम चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, या डीएई, ये देखे सेवल वाले, ये सेवल वाले चाहिए, 16 साल में है, पहला सामी 16 ही, 2 फीमेल के लिए हैं, और बाकी जोन 1 4 है, ठीक है दोस्तों, जोन 1 के 4 है, और जोन 2 जो है डॉक्टर दोस्तों, जोन 2 3 है, जोन 4 3 के भी 4 है, और जोन 5 के 3 असामी है, टोटल और 21 से 32 साल इसकी उम्र है। दूसरा आसानी नंबर 6 जो है कार्टोग्राफर ड्राफ्टमैन की है, बीपीएस 10 है ये, और ये इसकी तालीम में इसको पढ़ लो दोस्तों खुद, 6 आसानी है तमाम, एक फीमेल के लिए, बाकी जिन्हें तमाम दोनों में एक एक या 18 से 32 साल उम्र है इसकी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है ये बीपीएस 12 है, और ये इसके लिए इंडिकेशन चाहिए, ठीक है दोस्तों, एक आसानी सिर्फ, और मेरिट पर है 21 से 32 साल उम्र,
आखिर में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर है ये देखिए, और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, बीए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, एक आसानी है ये, और मेरिट पर है 1832 साल उम्र है। अगर देखिए क्या है मेरे बच्चों, आसामी नंबर ऑफ स्टोर की बनती है ये देखे स्टोर की का, और इसके लिए एक्सपीसी की जरूरत है, एक आसामी है सिर्फ मेरिट पर है 1832 साल है। आसामी नंबर 10 टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर है UPS 6 की है, और ये भी मेट्रिक तालीम होनी चाहिए, इसके लिए एक आसामी है सिर्फ, और वो मेरिट पर है 1832 साल उम्र इसकी। इलेक्ट्रीशियन BPS 16, ये भी इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए इसके लिए, ठीक है दोस्तों, और एक आसामी है मेरिट पर है 1832 साल है। अपने अप्लाई किस तरह करना है सबको तो मैं डिटेल से नहीं बता सकता, लेकिन सीधे सीधे बैठे आपको बताना चाहता हूँ। इसका एग्जाम ईटा के थ्रू होगा, देखिए दोस्तों ईटा, तो आपने ईटा वाली साइट पे जाके उनका फॉर्म डाउनलोड करना है, पैसे जमा कराने एक बीएल ब्रांच में, यूबीएल में, देखो यूबीएल ब्रांच में 500 रुपए जमा कराने हैं ईटा के नाम से, और फॉर्म जो है वो 20 तारीख से आपको अवेलेबल है, 20 जनवरी से, सॉरी 20 दिसंबर से, ये 20 दिसंबर से, और इसकी लास्ट डेट जो है ये 10 जनवरी लास्ट है। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी है, ये टर्म्स और कंडीशन पढ़ोगे तो इसको समझना है आप एलिजिबल है इसके लिए, तो तब आप अप्लाई करें, अब इसको समझ लें सही तरीके से फिर अप्लाई करें, और इन वाले आपको टेस्ट का डेट वो बजे इससे SMS मिलेगा। और ये आसानी जो है ना ये कहाँ पर है, माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट में है, ठीक है, माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट में, ठीक है दोस्तों। ये तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।